आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल का उपयोग अपन किस तरह से जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में करते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल प्रोग्राम में किस तरह से लिखते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करनी है तो बेहतर ये होगा कि जावास्क्रिप्ट के जो टैग हैं उसे अपन हेड टैग के अंदर लिखें। जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करते समय हमें स्क्रिप्ट टैग यूज करना होता है, जो मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया था। तो ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल पार्ट 3 है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को हम किस तरह से प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब सिंपल आप ये समझें, इस डायग्राम को आप देखें कि वेरिएबल का मतलब एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है। आप देखिए इस चित्र में दिख रही है कि ये जो बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, ये हम मान लेते हैं कंप्यूटर की मेमोरी है। फिर इसके बाद ये जो आपको यहाँ पे एक्स नाम दिख रहा है, ये एक नाम है और ये जो है ये एक वैल्यू दी गई है। तो वेरिएबल का मतलब सिंपल आप ये समझे कि वेरिएबल कंप्यूटर में दी जाने वाली एक ऐसा स्टोरेज एरिया होता है जहां पर हम प्रोग्रामिंग करते समय डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग करते समय जो भी स्पेस हम यूज करते हैं या जो स्टोरेज एरिया हम यूज करते हैं, उसको वेरिएबल या मेमोरी वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब है जहां पर हम डेटा को प्रोग्रामिंग करते समय स्टोर करें, उसे वेरिएबल कहते हैं। इस चित्र में समझाने की कोशिश की गई है कि मान लीजिए कि ये क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है, ये हमारा कंप्यूटर की मेमोरी है और यहाँ पे हम ये वैल्यू दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर किया है 10, तो जो ये वैल्यू हमने स्टोर किया 10, इसको हम बोलेंगे मेमोरी। और इस वैल्यू की पहचान के लिए हमने यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है एक्स। कहने का मतलब, हम इस एरिया को किस नाम से पहचानेंगे? एक्स के नाम से पहचानेंगे। तो इस एक्स को यहाँ पे क्या बोला गया है? वेरिएबल बोला गया है। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए, एक स्पेस बनाया गया है, एक जगह बनाया गया है जहां पे क्या इनपुट किया गया है? 5। और इस जगह को पहचानने के लिए या इस मेमोरी स्पेस को पहचानने के लिए नाम दिया गया है y। यानी अगर हम कहीं पे लिखते हैं प्रोग्राम में x, तो x का मतलब 10 से होगा। अगर हम लिखते हैं y, तो y का मतलब 5 से होगा। और अगर हम कहीं पे लिखते हैं z, तो z का मतलब 15 से होगा। तो इस तरह आपने देखा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो ये स्पेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? मेमोरी बोलेंगे। और इसको पहचानने के लिए जो हम ये यहाँ पे नाम देते हैं, ये वेरिएबल कहलाता है। तो इन दोनों को बोल देते हैं हम लोग मेमोरी वेरिएबल। तो मेमोरी वेरिएबल वास्तव में क्या हुआ? मेमोरी वेरिएबल प्रोग्रामिंग करते समय जो हमको एक स्टोरेज प्रदान की जाती है, जहां पर हम अपने डेटा को रख सकते हैं, उसको हम मेमोरी वेरिएबल कहते हैं, जैसा कि चित्र में आपको समझाया जा रहा। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है, ये एक स्पेस हुआ जो हमारे पूरे कंप्यूटर की मेमोरी है, और उस कंप्यूटर की मेमोरी में के थोड़ा सा स्पेस हुआ और इस स्पेस का नाम हमने दिया है एक्स। तो हम इन दोनों को मेमोरी वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया मेमोरी और ये उसका नाम हो गया वेरिएबल। तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे मेमोरी वेरिएबल। तो यहाँ पे जब भी मुझे, अगर मान लीजिए इस बॉक्स में कोई वैल्यू इनपुट करनी होगी, तो मुझे एक्स का यूज करना होगा, या इस बॉक्स के अंदर या इस स्टोरेज एरिया के अंदर जो वैल्यू है, यदि मुझे उसे प्रोग्रामिंग करते समय आउटपुट में लाना होगा, तो भी मुझे एक्स का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पे जो एक्स हो गया, ये इस मेमोरी के लिए रिजर्व हो गया कि अगर हम कहीं प्रोग्राम में एक्स लिखते हैं तो वो ये एरिया को पहचाना जाएगा, अगर हम कहीं पे वाई लिखते हैं तो ये एरिया पहचाना जाएगा, और अगर हम कहीं पे जेड लिखते हैं तो ये एरिया पहचाना जाएगा। तो इस तरह से देखिए, मेमोरी वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी वेरिएबल एक तरह से कंप्यूटर में दी जाने वाली क्या है? स्टोरेज एरिया होता है।
जिसमें यूजर प्रोग्राम बनाते समय उसमें डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। या फिर दूसरी भाषा में अगर हम समझना चाहें तो वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम प्रोग्राम के डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा, ये देखिए वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है जहां पे हम प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करते हैं और उसे प्रोग्राम में उपयोग करते हैं, यानी हम उस जो भी डेटा हमने स्टोर किया है उसे हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। फिर बिना वेरिएबल के किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। कहने का मतलब जितनी भी आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे C++, विजुअल बेसिक, .NET, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनमें प्रोग्राम लिखने के लिए क्या होता है, वेरिएबल बनाना ही होता है। ठीक जावा स्क्रिप्ट की तरह, जैसे जावा स्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ही वेरिएबल हमें बनाना होता है। बिना वेरिएबल के किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में कोई प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता। अब जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को बनाना बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है, वर कीवर्ड यूज करना है। यानी अगर आप वेरिएबल समझ गए हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि वेरिएबल एक कंप्यूटर में मिलने वाला स्टोरेज स्पेस है, और इस स्पेस का जो एक ये नाम देते हैं हम, इन दोनों को वेरिएबल बोल सकते हैं। तो वेरिएबल कुल मिला के क्या हुआ, प्रोग्रामिंग करते समय जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं, या उसे मेमोरी वेरिएबल कहते हैं। अगर आपने ये बात समझ गए हैं, तो अब अगर हम आगे चलें कि जावास्क्रिप्ट में यदि हमको वेरिएबल बनाना हो तो हमको कौन सा कीवर्ड यूज करना होगा, वर कीवर्ड यूज करना होगा। वर कीवर्ड की मदद से हम जो है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, इस तरह से वेरिएबल हम बना सकते हैं और इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए ये चित्र डायग्राम बनाया गया है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको जावास्क्रिप्ट में दिखेगा नहीं, ना ही आपको ऐसा कोई बॉक्स दिखाई देगा। ये समझने के लिए है कि वेरिएबल वास्तव में होते क्या है और कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको बता रहा कि जावास्क्रिप्ट में अगर हमको वेरिएबल बनाना है तो हमको किस कीवर्ड का यूज करना होगा, वर कीवर्ड का उपयोग करना होगा। यदि हम वर कीवर्ड नहीं लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल नहीं बनेगा। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट में होता क्या है कि जैसे आप वर लिख करके आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर किया है किस तरह का, न्यूमेरिक टाइप का, यानी इसका डेटा कैसा है, न्यूमेरिक है। तो इस डेटा टाइप के जो हम ये वैल्यू यहाँ पे डाला है, उस वैल्यू के आधार पे कंप्यूटर इसे ऑटोमेटिक जज कर लेता है कि उसमें किस तरह का डेटा है। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा है तो ये एक न्यूमेरिक डेटा है, तो कंप्यूटर उसे जज कर लेगा कि एक न्यूमेरिक डेटा है। हमें न्यूमेरिक के लिए कोई अलग से डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं करना होता। ऐसे सपोज करिए, अगर यहाँ पे किसी का नाम होता तो कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक समझ जाता कि ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है, लेकिन हमें कैरेक्टर टाइप का कोई डेटा टाइप लिखने की आवश्यकता जावास्क्रिप्ट में नहीं होती। सपोज करिए यहाँ पे कोई डेट होता तो वो ऑटोमेटिक उसे जज कर लेता कि यहाँ पे डेट लिखी गई है, तो वो डेट के हिसाब से डेट टाइप का डेटा क्रिएट करता। हमको कोई अलग से डेट नाम का डेटा टाइप लिखने की जरूरत जावास्क्रिप्ट में नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक ही कीवर्ड में हम लगभग सभी डेटा, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का डेटा हो, चाहे वो न्यूमेरिक टाइप का डेटा हो, चाहे वो आपका डेसिमल टाइप का डेटा हो, उन सभी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। जबकि अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में ऐसा नहीं होता। अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में क्या होता है, आप जिस तरह का डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं वैसा ही डेटा टाइप आपको लिखना भी होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की भांति अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो ऑटोमेटिक डेटा को जज करे। ठीक है, तो हमको अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप अलग से लिखना होता है और बताना होता है कि ये किस प्रकार का वेरिएबल है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ आपको वर लिखना है और वर के बाद मेमोरी वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं,
तो चलिए आगे देखते हैं सिंटैक्स इसका। तो इसका देखिए सिंटैक्स ये है, अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो ये तो अपन ने इसकी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि पहले हमको स्क्रिप्ट ये हेड के अंदर लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर और एज, तो यहाँ पे देखिए ये जो वर है ये एक तरह से क्या हो गया, कीवर्ड हुआ, और जो ये एज है ये कहलाएगा वेरिएबल। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि अगर वर एज लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, एज नाम का क्या बन गया, एक स्टोरेज एरिया बन गया जिसका नाम क्या है, एज। और ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें तो फीस नाम का स्टोरेज एरिया बन गया जहां पर मैं एज और फीस को स्टोर कर सकता हूं। तो इस तरह से अगर हमको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा वर, वर के बाद एक नाम लिखना होगा जिसे हम वेरिएबल कहेंगे। अब आप यहाँ पे अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे एज लिखा है तो आप हर जगह पे एज ही लिखेंगे। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं जैसा आपका प्रोग्राम में जरूरत है। ठीक है, तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना है तो मुझे लिखना होगा वर, वर के बाद लिखना होगा उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये जो वर और एज है ये कैसे काम करेगा इसको अपन समझते हैं। तो देखिए हमने जो ये एज लिखा, ये एज क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। अगर हम कंप्यूटर में बात करें कि भाई अगर हम वर एज लिखते हैं तो कैसे काम करेगा, तो देखिए एज जो हो गया वो क्या हो गया, ये वेरिएबल का नाम हो गया, जैसे कि अभी आपने देखा था कि एक्स और वाई जेड वाला। ठीक है, अब इस एज में हमको ये स्पेस मिल गया। ठीक है, ये जो हमने लिखा ये वेरिएबल है और ये क्या बन गया, इसके लिए ये स्पेस हमको मिल गया कि हम यहाँ पे एज को स्टोर कर सकते हैं। अब जब हम जो है मान लेते हैं किसी की एज जो है 50 है, हमको इनपुट करते हैं, तो जैसे हम कोई एज 50 लिखते हैं तो ये 50 कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। यानी अगर मैं प्रोग्रामिंग करते समय 50 कहीं पे लिखता हूँ एज में, तो ये एज कहाँ पे 50 जो है कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, इस एज के अंदर। तो इस तरह से वेरिएबल जो होता है प्रोग्राम में काम करता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि वेरिएबल बिना हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो जरूरी होता है कि वेरिएबल कैसे काम करता है ये हमारे समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो आपने देख लिया कि हम वर एज लिखा था, तो एज का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर की अगर हम बात करें काम कैसे करेगा ये, तो इस एज के लिए हमको ये जगह यानी एक स्पेस मिला। मैं एक बार फिर से देखता हूँ, इस एज के लिए क्या मिला हमको, ये एक स्पेस कंप्यूटर में दिया जाएगा। जब हम इस वेरिएबल में कोई डेटा, ये डेटा मान लेते हैं कि हमारे पास 50 है, हम इनपुट करते हैं, तो ये इनपुट होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 50 में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मुझे इस 50 जो कि एज के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, मुझे अगर इसको स्क्रीन में प्रिंट करना है प्रोग्रामिंग के दौरान, मुझे क्या करना है, इसे स्क्रीन में प्रिंट करना है। तो मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि यदि हमें कोई मैसेज या किसी वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, हमें अगर कोई मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो हमें लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होता है। ठीक है, यानी अगर हमें किसी मैसेज को या किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन में प्रिंट करना है या डिस्प्ले कराना है तो हमें लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे देखिए एज हो गया वेरिएबल और 50 हो गया उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। तो अगर मुझे इसे प्रिंट करना है प्रोग्रामिंग करते समय तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एज देन सेमीकॉलन। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग करते समय ऐसा लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो क्या होगा, ये जो एज के अंदर जो ये वैल्यू स्टोर है 50, ये मुझे स्क्रीन में होकर के प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो हमने भी दूसरा वेरिएबल बनाया फीस, तो फीस भी ऐसे ही काम करेगा। हमने एक वेरिएबल बनाया फीस जिसका नाम हो गया फीस, ये हमको
एक स्टोरेज एरिया दे दिया गया जहां पे हम फीस की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी की फीस 60 है, अब हम इसको जैसे इनपुट करेंगे तो वो यहाँ पे आके इनपुट वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह अगर एज फीस के अलावा भी और वेरिएबल होते तो सेम ये इसी तरह से काम करते हैं प्रोग्रामिंग करते समय। फिर अब हमने देखा कि हमने जो वैल्यू स्टोर किया है 60, अगर मुझे इसे स्क्रीन में प्रिंट करना हो तो हमने भी देखा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे तो फिर से हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, फीस लिख देंगे। तो अगर मुझे एज की वैल्यू प्रिंट कराना है तो मैं एज लिखूंगा, फीस की वैल्यू प्रिंट कराना है तो फीस लिखूंगा, और अगर कोई और वैल्यू है उसे भी प्रिंट कराना है तो मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने इसकी पिछली वीडियो में जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट बताया था तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था एग्जाम्पल ऑफ जावा स्क्रिप्ट। यहां पर मैंने देखिए कोई भी डबल कॉमा नहीं लगाया है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब कोई वेरिएबल, चूंकि एज जो है ये कोई मैसेज नहीं है, ये एक वेरिएबल है, ये देखिए इस नाम से हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। तो जब कोई वेरिएबल की वैल्यू को हमें प्रिंट करना होता है स्क्रीन में, जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन में क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है, या अगर उस नाम का कोई वेरिएबल है तो उसे डबल कॉमा में नहीं लिखा जाता, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इस एज के आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे तो होगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, एज की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा बल्कि एज लिख करके आ जाएगा, ए जी ई आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे तो कंप्यूटर इसे क्या मान लेगा, टेक्स्ट मैसेज मान लेगा, इसमें कोई वेरिएबल या किसकी कोई वैल्यू को वो फिर प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है और कैसे काम करता है। तो बिल्कुल देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि जब तक आप वेरिएबल नहीं समझेंगे तब तक आप जावास्क्रिप्ट या अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में कोड को नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो एक बार और प्रयास करते हैं समझाने की। तो वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल एक तरह से कहा जाए तो क्या है, वेरिएबल क्या हुआ एक तरह से क्या हुआ, एक कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस है, ठीक है, और इस स्पेस का एक नाम जो हम देते हैं ये उसका वेरिएबल, ये हो गया वेरिएबल जो हमने नाम दिया है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, स्टोरेज एरिया जहां पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते समय आपको नहीं दिखेगा, आपको इमेजिनेशन करना है, सोचना है कि ऐसे काम कर रहा है। अब आप इस ट्यूटोरियल के बाद, इस वीडियो के बाद, अब आप ये देखें कि ऐसा कहीं बॉक्स बन के आएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आपको समझना है कि ये काम कैसे करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आपको जावास्क्रिप्ट में कहीं पे दिखाई नहीं देगी, ना ही कहीं पे ये दिखाई देगा कि आपका डेटा उड़ करके या उस जगह में जा रहा है। आपको ये समझना है, उसको महसूस करना है, उसको आपको फील करना है कि ये ऐसा काम करता है। तो ये जो एज है ये हो गया वेरिएबल, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका क्या बोलेंगे अपनी स्पेस, स्टोरेज स्पेस जहां पे हम डेटा रखते हैं। अब मान लेते हैं हमने जो है कोई डेटा हमारे पास है 50 जो हमको इनपुट करना है। अब जैसे मैं इनपुट करूंगा, ठीक है, तो वो इनपुट हो गया कहाँ पे आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 स्टोर हो जाएगा। अब जो वैल्यू, एज की वैल्यू जो 50 स्टोर हो गई है, अगर मुझे उसे प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो हमें प्रिंट करना है। ऐसे ही अगर हमारे पास और कोई वेरिएबल है तो सेम ऐसे ही काम करेगा। ये हो गया वेरिएबल, ये वेरिएबल का स्टोरेज एरिया, हमारे पास कोई डेटा हम इनपुट करते हैं इनपुट कमांड या असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, तो ये वैल्यू इनपुट होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में। और अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन फीस, वो वैल्यू हमको प्रिंट होकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए वेरिएबल हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, और जावास्क्रिप्ट में या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल कुछ इसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो हम खोलते हैं नोटपैड,
ये नोटपैड खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोडिंग पे लिख रहे थे बस वैसे ही HTML, HTML के बाद हम लिखते हैं हेड, हेड के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, टाइटल हम दे दिए एग्जांपल ऑफ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, फिर हमने टाइटल की क्लोजिंग कर दिया। अब हमने पढ़ा है कि जो स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं वो हेड टैग के अंदर ही, तो चलिए अब यहीं से अब हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज बराबर जावा स्क्रिप्ट, हमने इसे बंद कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो अभी हमने देखा, ये जो हमने भी देखा एज नाम का मेमोरी वेरिएबल और फीस नाम का, तो चलिए इसी दो को बनाते हैं और इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे वेरिएबल बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, वर, वर ये बताता है कि ये वेरिएबल है, ठीक है। अब मेमोरी वेरिएबल का हमने नाम दे दिया है एज, देन लगा दिया सेमीकोलन, हमने दूसरा वेरिएबल फिर से बना रहे एज और हमने लिखा फीस, देन सेमीकोलन। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं किया है, मतलब एज में हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे हमने यहाँ पे 50 दिया तो 50 आगे स्टोर हो जाएगा एज के अंदर। तो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू देना है तो मुझे लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, फिर इसके बाद लिखना पड़ेगा 50, देन सेमी कॉलम। अगर मुझे फीस देना है तो फीस में जो एग्जाम्पल में 60 लिखा है 60 लिख दिए अपन, ठीक है। ये हमने बना लिया, क्या ध्यान से समझिए, ये हमने बनाया वेरिएबल, यानी हमने पहले क्या किया, ये दो स्पेस बना लिया, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं वर एज और ये सब क्या किया हमने, ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं वर एज, तो वर एज मतलब अभी सिर्फ ये भाग बना हुआ है और फीस का भी ऐसे स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ पे इनपुट की बात करें कि हमने एज में 50 इनपुट कर दिया, एज बराबर 50 का क्या मतलब हुआ कि इस स्टोरेज एरिया में हमने क्या इनपुट कर दिया, 50 इनपुट कर दिया। ये देखिए हमने इस स्टोरेज एरिया में कितना इनपुट कर दिया, 50 को इनपुट कर दिया, ठीक है, हमने इस स्टोरेज एरिया में कितना इनपुट कर दिया, 50। अब इसी तरह से फीस वाले में हमने कितना इनपुट कर दिया, 60। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करानी हो तो क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखना पड़ेगा एज। तो चलिए लिखते हैं, तो यहां पे क्या लिखना होगा मुझे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट डब्ल्यू आर आई टी राइट और यहाँ पे एज। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं कर रहा, अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा तो इस एज की जो वैल्यू है 50 वो मुझे ब्राउजर में दिखाई नहीं देगी। ब्राउजर मतलब जो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे जैसे कि HTML में कर रहे थे, तो वहां पे वैल्यू दिखाई नहीं देगी। तो हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट राइट एज, अब दूसरा डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, डॉक्यूमेंट। अब दूसरे की बात करें तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब फीस लिख देंगे, देन सेमी कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हुआ, हम बंद करेंगे स्क्रिप्ट को और फिर इसके बाद हम बंद करेंगे हेड को, बॉडी हम यूज नहीं कर रहे तो हम डायरेक्ट बंद करते हैं HTML को, ठीक है। बॉडी देखिए यहाँ पे मैं बॉडी यूज नहीं कर रहा, लेकिन बॉडी यूज किया जाता है, बिना बॉडी में यूज किए बिना आप कैसे कोई वेब पेज क्रिएट या कोई वेब पेज में आप ब्राउजर के बॉडी में कोई चीज लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बॉडी लिखना होता है, लेकिन फिलहाल मैं भी यहाँ पे बॉडी नहीं लिख रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बॉडी नहीं लिखा जाएगा, बॉडी लिखा जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, ये फाइल ऑलरेडी वी नाम से सेव है, देखिए यहाँ पे वी दिख रहा। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये ब्राउजर खुला हुआ है, ये वी नाम की फाइल ऑलरेडी खुली हुई है, F5 प्रेस करते हैं,
तो आप देखिए यहाँ पे देखिए ये 50 और ये 60 एक साथ आ गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे 50 पहली लाइन पे और 60 दूसरी लाइन पे चाहिए, तो हमने HTML में पढ़ा है BR टैग, और मैंने इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमको जावास्क्रिप्ट में अगर HTML का टैग लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, BR करना है तो हमने BR लगाया, कॉमा को बंद किया और ये प्लस लगा दिया, ठीक है। तो जो फीस की जो वैल्यू है वो लाइन ब्रेक होकर के दूसरी लाइन पे दिखाई देगी। इस BR को हम यूज करते हैं BR का टैग हमने बंद नहीं किया है, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। ये देखिए तो पहली लाइन पे हो गया 50 और दूसरी लाइन पे आ गया 60, क्यों आया, क्योंकि हमने कौन सा टैग यूज किया है, हमने कंप्यूटर को बोला कि पहली लाइन पे क्या प्रिंट करो आप, एज की वैल्यू प्रिंट करो, तो एज की वैल्यू कितनी हमने दिया था 50, तो देखिए यहाँ स्क्रीन में कितना प्रिंट कर दिया उसने 50। दूसरी लाइन पे हमने क्या बोला, फिर हमने क्या बोला कि आप लाइन को ब्रेक करो, तो 50 के बाद लाइन ब्रेक की है, लाइन ब्रेक के बाद फिर क्या बोला गया कि दूसरी लाइन पे क्या प्रिंट करो, फी की वैल्यू, तो फी की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई 60। तो इस तरह देखा कि वेरिएबल जो है किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्राउजर में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब अगर मुझे इसको बढ़िया लिखना हो या इसको बताना हो तो मैं यहाँ पे अब क्या यूज करता हूँ, हेड क्लोज हुआ है, हेड के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, बॉडी, और जैसा हम लोग HTML में पढ़ा है सेम वैसी H3 करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी वेरिएबल H3 की हमने कर दिया क्लोजिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पे जो भी लिखना हो क्या कि वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, पैराग्राफ की क्लोजिंग। फिर अब बॉडी की क्लोजिंग हमने कर दी है कंट्रोल एस। देखिए ये चीजें HTML में हमने पहले पढ़ चुका है कि ये चीजें कैसे करेंगे, इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए ये आ गया, ठीक है, एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, और हमने जो पैराग्राफ में लिखा है वो ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आप देखो ये यहाँ पे आ रही है, अगर आप चाहो कि वो यहाँ पे दिखाई दे, तो हमने जो है ये हेड में लिखा है तो इसलिए ब्राउजर के हेड में दिखाई दे रहा। अब अगर मुझे इधर कहाँ कहाँ चाहिए, बॉडी में चाहिए अगर, तो मैं जो कोडिंग यहाँ पे हेड के अंदर किया है उस कोडिंग को मैं उठा के अब कहाँ पे कर दूंगा, बॉडी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि स्क्रिप्ट टैग को हम जिस जहां पर यूज करना चाहें वहां पर यूज HTML फाइल में कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हेड में यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हेड बस में ही यूज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल एस, और फिर से वापस आते हैं और F5। ये देखिए अब ये हमारा कहाँ पे बॉडी में आ गया। अब आप इसको चाहें तो बोल्ड, बढ़िया बोल्ड करें, कलर दें, जैसा आप करते आ रहे थे। तो इस तरह से अब आप जितनी कोडिंग आप HTML में जानते हैं उन सब का यूज करके आप जो है इसको कलरफुल या उसको और बढ़िया अट्रैक्टिव बना सकते हो। बैकग्राउंड देना हो अगर तो बॉडी का बैकग्राउंड जैसे हमने पढ़ा था बीजी कलर, और मुझे ब्लू कलर अच्छा लगता है तो मैं ब्लू लिख दिया कंट्रोल एस और ये F5, ठीक है।
इस तरह से देखिए, हम जो है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल आराम से और आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है, और आप इसे ध्यान से पूरे लास्ट तक ये वीडियो देखें, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी वेरिएबल रिलेटेड। तो आप इस तरह से वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अभी हमने एज और फीस बनाया, आप जो चाहें जिस तरह से बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। और हम प्रोग्राम कैसा बनाना चाह रहे हैं, पहले हमारे दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न क्या बनाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, और कैसा प्रोग्राम बनाना है जहां पे मैं दो वैल्यू इनपुट करूं, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा, हम एक प्रोग्राम बनाना है, एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें कोई दो वैल्यू को इनपुट किया जाए और उन्हें जोड़कर या और उनका योगफल स्क्रीन में प्रिंट किया जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जैसा लिखा है कि कोई दो वैल्यू, जहां पे हम दो वैल्यू को स्टोर कर सकें, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने एक 50 स्टोर की और एक 60, तो दो वैल्यू हो गई। तो ऐसे ही हम कोई दो वैल्यू इनपुट कर उनका योगफल स्क्रीन में प्रिंट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमको करना क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन ऐसा कुछ हो, जब भी आप क्वेश्चन दिमाग में आपके आए, तो सबसे पहले देखिए आपको जो है प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो जज करना होता है वो क्या, मेमोरी वेरिएबल। यानी पहले आप इस क्वेश्चन में आप ये पता लगाएं कि आपको कितने मेमोरी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहले आप ये चीजें रफ काम कर लें, फिर इसके बाद आप कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखें या अपनी कॉपी या नोट्स में प्रोग्राम लिखें। तो मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमको इसका प्रोग्रामिंग करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या ढूंढना है कि वेरिएबल इसमें कितने बनेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल का काम ही है डेटा को स्टोर करना। तो यहाँ पे दो वैल्यू का मतलब है दो डेटा, ठीक है। दो वैल्यू का मतलब क्या हो गया, दो डेटा। तो हमको यहाँ पे कितने वेरिएबल बन गए, अगर हम देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल बन गए जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे, दो वैल्यू। तो मान लेते हैं हमने एक बनाया है n1 जिसमें हम पहली वैल्यू स्टोर करेंगे, और एक हम वेरिएबल बनाएंगे n2 जिसमें हम दूसरी वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें पता लगा लिया। अब इसमें करना क्या है, हमको योगफल को भी प्रिंट कराना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि document.write तभी कोई चीज प्रिंट करेगा जब कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। तो कहने का मतलब मुझे योगफल के लिए भी एक वेरिएबल बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया एड नाम का। तो इस प्रकार यहाँ पे कुल कितने वेरिएबल बनेंगे इस प्रोग्राम में, तीन वेरिएबल, एक बनेगा n1, एक बनेगा n2 और एक बनेगा एड नाम का, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर मुझे ये प्रोग्राम कोड करना हो, यदि अगर मुझे इस प्रोग्राम को बनाना हो जावास्क्रिप्ट में, तो कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं यहीं पे फिर इसको अपन मिटा देंगे बाद में। तो अपन लिखेंगे HTML, फिर अपन लिखेंगे हेड, फिर लिखेंगे टाइटल, और यहाँ पे मैं लिख दिया एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, टाइटल की क्लोजिंग, और यहाँ पे अब चालू करते हैं स्क्रिप्ट, बराबर जावास्क्रिप्ट। अब हमको ये वाला प्रोग्राम बनाना है, तो हमने भी ढूंढा कि कितने वेरिएबल बनेंगे, दो, n1 और n2। तो हमको पता है कि वेरिएबल बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा वर, फिर लिखना पड़ेगा n1, देन सेमी कॉलन,
फिर दूसरा बनाने के लिए फिर से लिखना पड़ेगा वर, और ये हो गया एन टू, देन सेमी कॉलन, और फिर एक तीसरा बनाना है तो फिर हम लिखेंगे वर का मतलब ही देखिए वेरिएबल है ना, तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी बार आपको वर वर लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एड, ये हमने तीन वेरिएबल बना लिया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को बताया नहीं गया है कि कौन सी वैल्यू है, 10 इनपुट करना है कि 20 है कि 50 है कि 100 है, तो यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसके पहले बताया कि अगर मुझे N1 में वैल्यू स्टोर करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, N1 बराबर, अब कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए, मैंने 100 डाल दिया, N2 बराबर, यहाँ पर भी कोई वैल्यू मैंने 200 डाल दिया, ठीक है, तो हमने दो वैल्यू को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनका योगफल भी हमको दिखाना है, तो योगफल के लिए हमने क्या बनाया है एड, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम N1 को N2 से प्लस कर देंगे, N1 और ये N2, तो यहाँ पे क्या होगा N1 की जो वैल्यू है, यानी कितनी है N1 की वैल्यू 100 और N2 की वैल्यू कितनी है 200, ये आपस में क्या होंगे प्लस होंगे, और प्लस होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा एड पे, और हमको क्या मिल जाएगा 300 आउटपुट में आएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, हम इसको प्रिंट कराते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है योगफल को स्क्रीन में प्रिंट कराएं, और प्रिंट कराने के लिए हमको पता है कि हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जिसको भी प्रिंट कराना है, अगर आप चाहते हैं कि N1 भी प्रिंट हो N2 भी प्रिंट हो सबको लिखना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं अभी एड को प्रिंट कराता हूँ, ये हम N1 को कराते हैं पहले, चलिए N1 को किया प्लस, हमने क्या कर दिया BR, देन सेमीकोलन, N1 की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर ये हो गया। अब अगर मान लीजिए हमको मैसेज भी प्रिंट कराना है, ठीक है, तो बस अभी इतने ही जाने फिलहाल आज, ये हो गया। अब इसके बाद जो है मुझे N2 की वैल्यू, तो फिर से मैं क्या लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया N2 प्लस, लाइन ब्रेक करना है तो BR, फिर अब एड की वैल्यू, तो फिर से लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर यहाँ लिखेंगे N3 प्लस, अब लाइन ब्रेक की जरूरत ही नहीं क्योंकि N3 नहीं है अपने पास, एड है, एड लिखेंगे लाइन, अब लाइन ब्रेक नहीं करें क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी हमने यूज नहीं किया है फिलहाल तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा रफ काम था, इसको हमने मिटा दिया, इसको सेव करते हैं अपन। सेव करते हैं वेरिएबल के नाम से, वेरिएबल डॉट html डेस्कटॉप में, और सेव बटन में क्लिक करते हैं। हम ब्राउजर ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ की बटन, फाइल हमारी कहाँ पे है, डेस्कटॉप में, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, फाइल का नाम था वेरिएबल, वेरिएबल हम इसको ओपन करते हैं, तो ये ऐसा आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, फिर क्या क्या गड़बड़ है चेक करते हैं। HTML header title स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, यहाँ पे एक सेमी कॉलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल एस, फाइल को फिर से सेव करते हैं, शायद वेरिएबल
ओपन करते हैं, हमने नया फाइल का नाम दिया है, क्या गलत हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। कोड सही लिखा हुआ है, फिर से एक बार करते हैं अपन वर एन वन, और हमने एक ले लिया एन टू, हमने वहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया था उस नोट पैड में, शायद इसलिए रन नहीं हो रहा। हमने अपनी पुरानी फाइल ओपन कर ली है और इसमें अपन चेंजेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया 100 और फीस में एन टू में इनपुट कर दिया 200, और फिर इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है ऐड नाम का। अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड बराबर एन वन प्लस एन टू, यानी दोनों की वैल्यू प्लस होके कहाँ पे दे दी जाएगी, स्टोर की जाएगी इस ऐड नाम के वेरिएबल में, और जो है हमने इसको प्रिंट करा लिया। पहले हमने प्रिंट कराया एन वन, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया एन टू प्लस बी आर किया हमने, और फिर से हम प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐड को कंट्रोल एस। फाइल ओपन करते हैं, तो ये देखिए आप देख रहे हैं पहले क्या प्रिंट हुआ 100, फिर 200 और उनकी वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 3। उस फाइल पे हमने बहुत कुछ लिख दिया था, शायद इसलिए रन नहीं हुआ, बाकी कोडिंग सही किया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है 100, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि पहले क्या प्रिंट करो एन वन, एन वन की वैल्यू 100, फिर हमने क्या बोला एन टू, तो एन टू की वैल्यू 200, फिर हमने क्या बोला कि इसकी वैल्यू प्रिंट करो ऐड की, तो ऐड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 300। कैसे 300 हुआ, एन वन की वैल्यू एन टू के साथ प्लस हुआ और प्लस होने के बाद यहाँ पे ऐड में आ गया और ऐड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से वेरिएबल जो है जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।